हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल आज हम डी में रिलेशन से आगे का टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन डिस्कस करते हैं जिसमें कि पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की ठीक तो इसमें बताया गया है अ बाइनरी रिलेशन आर ऑन सेट ए सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ इसमें कोई सेट ए है और उसमें एक रिलेशन है आर और उस रिलेशन में उस रिलेशन से जो एलिमेंट सेट के सबसेट जनरेट हो रहे हैं उनकी इमेज इट्स है ठीक जैसे कि फॉर एवरी ए उस सेट को बिलोंग करेंगे तो उनकी जो इमेज है वो इस तरीके की है कि ए कॉमा ए ही उस सेट को बिलोंग करना चाहिए और इसको हम रीड कैसे करेंगे ए आर ए ठीक इट मीन्स एक रिलेशन दे रखा था पहले एक सेट दे रखा है सेट के तीन एलिमेंट दे रखा है और एक रिलेशन दे रखा है उस रिलेशन में हमें बताया है कि वन कोमा वन बिलोंग टू आर टू कॉमा टू बिलोंग्स टू आर ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्सिव ठीक रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर कोई सेट है उस सेट में कोई एलिमेंट है तो उस सेट के एलिमेंट की खुद से इमेज हो और वह सबसेट उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए ठीक अब आता है इिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी जस्ट अपोजिट टू द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इट मीनस उसमें कि जो इमेज थी किसी एलिमेंट की किसी सेट के एलिमेंट की अपने आप से वह वह सबसेट बिलोंग कर रहा था उस रिलेशन को लेकिन इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में यह है कि ऐसा कोई भी सेट रिलेशन को बिलोंग नहीं करना चाहिए मीन्स ऊपर वाले में वही सबसेट बिलोंग कर रहा था लेकिन नीचे वाले में वो बिलोंग नहीं कर रहा ठीक तो ये क्या है रिलेशन बाय वो डेफिनेशन से देखते हैं अब बाइनरी रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज सेट टू बी इन रिफ्लेक्सिव इफ देर इज नो एलिमेंट इन देर इज नो एलिमेंट इन सेट ए ठीक विच इज रिलेटेड टू इट सेल्फ जो कि अपने आप से रिलेट ना कर रहा हो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एट सज दैट ए कॉम आई ए इट मीन्स इट मीन्स वॉट डज नॉट बिलोंग्स टू आर ये सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि डज नॉट बिलोंग्स टू आर ठीक वन कॉमा वन कोई इमेज है ये आर के रिलेशन में बिलोंग नहीं करना चाहिए ठीक उसी तरह का टू कॉमा टू कोई रिलेशनशिप है वो भी आर में बिलोंग नहीं करनी चाहिए अब आता सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन अब बाइनरी रिलेशन ऑन सेट ए इज सेट टू तो बी सिमेट्रिक इज सेट टू तो बी सिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर यदि किसी बाइनरी रिलेशन में इट मीन्स कोई बाइनरी रिलेशन है हमारे पास उसमें कुछ सबसेट हैं वन कॉमा टू एंड टू कॉमा वन ठीक तो डेफिनेशन कहती है इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए भी उस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए तो वो ऐसा रिलेशन कैसा रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा तो क्या इस रिलेशन ये एग्जांपल जो मैंने ऊपर लिखा है क्या ये सिमेट्रिक का है जी हाँ वन कॉमा वन है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या ये इस डेफिनेशन को बिलोंग सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वन कॉमा टू है तो क्या सेट में टू कॉमा वन है ये सेट डेफिनेशन को बिलोंग कर रहा है तो ये एग्जाम्पल किसका है सिमेट्रिक का अब आता है एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक क्या जस्ट जस्ट अपोजिट टू सिमेट्रिक जैसे कि इसमें बिलोंग करते थे लेकिन इसमें अब ये बी कॉमा ए बिलोंग नहीं करेगा ठीक अब बाइनरी रिलेशन ऑन सेट ए इज सेट टू बी असिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमाई ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर मीन्स अब बी कॉमा ए बिलोंग नहीं करना चाहिए आर को बी कॉमा ए बिलोंग नहीं करना चाहिए आर को ओके okay. ठीक अब आता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ये कुछ नहीं ये सिंपल सा लॉजिक है इसमें अब बाइनरी रिलेशन ऑन सेट ए सेट टू तो बी एंटी सिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर यदि किसी रिलेशन के एलिमेंट हैं किसी सेट के एलिमेंट हैं और उनके अंदर कोई रिलेशन है और वो रिलेशन ऐसा है कि ए कॉमा बी भी उसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा ए भी उसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो वहां पर अगर एलिमेंट ए अगर एलिमेंट वी के इक्वल है तो वो कैसा रिलेशन है एंटीसीमेट्रिक रिलेशन एंटीसीमेट्रिक रिलेशन ठीक तो मैं भी ये डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा तो ये ए बायर रिलेशन ऑन सेट ए इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर देन ए कॉमा ए इक्वल्स टू बी ठीक ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसकी एंटी सिमेट्रिक की अब आता है ट्रांजिटिव रिलेशन रिलेशन आर ऑन सेवर ए कॉमर बी अगर किसी रिलेशन का पार्ट है तो बी कोमा सी उसी रिलेशन का बीकमा सी भी उसी रिलेशन का पार्ट है पार्ट तो होगा अगर ऐसा है तो वह रिलेशन कैसा है ट्रांजिटिव रिलेशन है इसको हम कैसे रीड करते हैं ए आर बी है एंड बी आर सी है तो उसी रिलेशन में ए आर सी है तो वह रिलेशन कैसा है ट्रांजेटिव रिलेशन ठीक अब मैं आपको ट्रांजेटिव रिलेशन का भी एक एग्जांपल देता हूं वन कोमा टू टू कॉमा थ्री कॉमा वन कॉमा थ्री अब आप इस पर एनालाइज करें कि ये एग्जांपल ट्रांजेटिव रिलेशन का कैसे है मींस देखिए वन कॉमा टू है टू कॉमर थ्री है इटमीन्स वन कॉमा थ्री भी होना चाहिए जो कि हमारे पास रिलेशन में है ठीक वैसे ये कभी कभी प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन जैसे कि ये टॉपिक होता है एक अलग टॉपिक होता है क्लासेस ऑफ रिलेशन क्लासेस ऑफ रिलेशन लेकिन अधिकतर इसे इसे रिलेट कर देते हैं कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन में ही कंसिडर कर ली जाती हैं लेकिन हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं इस टॉपिक को ये सेपरेटली भी पूछता तो जाता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है या फिर क्लासेस ऑफ रिलेशन के नाम से या इससे फेमस न्यूमेरिकल या फेमस प्रॉब्लम आती हैं हमारे एकेटी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए जिससे कि अब ढेर सारे प्रॉब्लम अभी आगे की नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आज हम थॉर्टिकल पोर्शन उसका देखते हैं सिंपल क्स रिलेशन सिंपल सिंपल सी बात है कि रिलेशन कुछ नहीं होता है अगर कोई रिलेशन आर एस टी को फॉलो करता है अगर कोई रिलेशन आर एस टी को फॉलो कर रहा है तो वो रिलेशन कैसा होगा इक्वेलेंस रिलेशन होगा ठीक टी का मतलब है आर फॉर रिफ्लेक्सिव एस फॉर सिमेट्रिक टी फॉर ट्रांजेटिव ओके ये डेफिनेशन में लिखा हुआ ऊपर अ रिलेशन आर ऑन सेट ए सेट टू बी इक्वेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देन वो रिलेशन कैसा होगा इक्वेलेंस रिलेशन होगा द टू एलिमेंट ए एंड बी रिलेटेड बाय एन इक्वेलेंस रिलेशन आर कॉल्ड इक्वेलेंट सो ए रिलेशन आर इज कॉल्ड इक्वेलेंस रिलेशन ऑन से सेट ए इफ इट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ आर एस टी ठीक आर एस टी ये सिंपल सी डेफिनेशन किसकी है रिफ्लेक्सिव की सिंबोलिक डेफिनेशन ये सिमेट्रिक एंड दिस वन ट्रांजेटिव अभी आगे हम इसके न्योमेरिकल डिस्कस करेंगे टेंशन लेनी कोई बात नहीं है ठीक अब आता है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन कंपोजिशन ऑफ रिलेशन ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है इसके भी एक दो न्यूमेरिकल मैं आगे देखूंगा और आपको बताऊंगा लेट आर वी आर रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू बी आर कोई रिलेशन है जो कि किसी सेट में ए टू बी डिफाइन किया गया हो और उसी में एस भी एक रिलेशन है वो किसी एन सेट बी टू सी में डिफाइन किया गया हो अगर हम इस रिलेशन आर का सॉरी अगर हम इस रिलेशन आर का और एस का कंपोजिशन करते हैं कंस्टिस्टिंग कर रहे हैं किसी ऑर्डर पे जनरेट कर रहे हैं इनसे A और C से, और से, वेयर ए कहां बिलोंग कर रहा हो ए को और सी कहां बिलोंग कर रहा हो कैपिटल सी को प्रोवाइडेड दस एग्जिस्ट बी का बी को बिलोंग करेगा वैसे ये सिंपल लॉजिक होता A B है ए टू बी कोई डिफाइन है बी टू सी कोई डिफाइन है तो जो कंपोजिशन बैठ रहा हो वो ए टू सी भी डिफाइन होना चाहिए ऐसा एक होता प्रॉपर्टी होती है ठीक सर जेड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर किसमें ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में बी कॉमास बिलोंग्स टू बी कॉमास के कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये डिनोटेड है आर ओ एस इसको कैसे रीड करेंगे आर ओ आर ओ एस को रीड करते हैं हम कंपोजिशन ऑफ एस एंड आर ठीक कंपोजिशन ऑफ एस एंड आर तो गैस टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है ये थ्योरेटिकल पोर्शन था इनसे रिलेटेड हम इनके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन को भी ज्वाइन करें जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी थैंक यू